यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में कक्षा 12 के सभी छात्रों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में चार बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले कक्षा 12 के सभी छात्रों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। इन बदलाव से आपके फायदे भी बहुत ज्यादा हुए हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्या क्या बदलाव किए गए। तो वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबा करके आल पर कर लीजिएगा। साथ ही इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो पहला सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि इस साल सभी छात्रों को बोनस अंक दिया जाएगा। बोनस अंक देने का कारण भी न्यूज़पेपर में साफ साफ बता दिया गया है। बोर्ड का कहना है कि अगर पेपर में कोई भी ऐसा सवाल है जो सिलेबस में नहीं है तो वो अगर आ जाता है तो आप सभी छात्रों को उसका अंक दिया जाएगा। चाहे आप लोग उस सवाल को हल कर रहे हैं यानी उस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं या फिर नहीं, सभी को समान अंक दिए जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि आप लोगों का सिलेबस चेंज हो चुका है। कक्षा 10-12 के सभी छात्रों का कुछ सिलेबस में से पार्ट कट चुके हैं और कुछ ऐड हो चुके हैं। इसी वजह से पहला जो बड़ा बदलाव मैंने आपको बताया वो लागू किया गया है। और तीसरा सबसे बड़ा बदलाव किया गया है यूपी बोर्ड कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए कि इस साल सभी छात्रों के 20 नंबर के क्वेश्चन जो हैं ओएमआर बेस्ड होंगे, ओएमआर पर सॉल्व करने होंगे 20 नंबर के क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पी आएंगे। और चौथा सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10-12 के सभी छात्रों के लिए स्टेप मार्किंग का नियम लागू कर दिया गया है। यानी कि आप जितनी लाइन लिखे रहेंगे, सवाल जैसा है, चार नंबर का सवाल है, अगर आपने दो लाइन सवाल सॉल्व किया है तो दो लाइन का नंबर आपको दिया जाएगा। इसी को स्टेप मार्किंग कहते हैं। जितने लाइन लिखे रहेंगे उतने नंबर आपको दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर दिए जाए।